करेक्ट वैल्यूज आर द कम्प्लीमेंट्री, ये सृष्टि का नियम है। आप किसी भी चीज में पाएंगे दोनों चीज पाएंगे, और आप वहां पे आप बैलेंस है आपके पास में तो आप कामयाब हैं, हर जगह कामयाब हैं आप अगर बैलेंस है तो। और बैलेंस आएगा अतियों के साथ में। आप खूबसूरत मतलब कामयाब डॉक्टर एक ये यात्रा है ना, हां से ना तक की या ना से हां तक की यात्रा है जीवन। और इसका सबसे महत्वपूर्ण और आप जिस फील्ड से जुड़े हुए, ये तो बहुत खूबसूरत फील्ड है कि आप किसी को स्वस्थ कर रहे हैं नॉलेज से बस। और बेस्ट आपका जिसे अभी हम जिक्र कर रहे थे कि अपोजिट वैल्यू ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्री, एक बेस्ट डॉक्टर कौन है आपके गांव में? एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, अच्छे कमाने के है कि वहां पे कोई बीमार नहीं होता, इतना अच्छा डॉक्टर है कि वहां बीमार ही नहीं होता कोई, ठीक है? तभी अच्छा डॉक्टर है, अगर वहां पे बीमारियां हैं तो अच्छा डॉक्टर नहीं है। कामयाबी के लिए आप हमेशा आप ध्यान रखें कि आप इतना कुछ, आपका फील्ड बहुत खूबसूरत है, तो आप इतना कुछ दें कि अगला स्वस्थ हो जाए और उसे आपकी जरूरत ना पड़े तो आप कामयाब हैं। अगर आपकी जरूरत बार बार उसे पड़ रही है तो आपकी कामयाबी में कहीं कमी है। और ये बैलेंस आप हर समय छोटी से छोटी जगह में बैलेंस को हर समय 24 घंटे उसे साधने की कोशिश किया करें। और ऐसी कोई कामयाबी नहीं है जो आपके कदमों में नहीं है, और जरूरत रहेगी आपको केवल और केवल बैलेंस होने की। हुआ आप नाकामयाब हुए तो ये हां से ना तक की यात्रा, आपकी इस खूबसूरत यात्रा, मैं इसका राजेंद्र और सतीश के माध्यम से आप तक पहुंचा, मैं ये मेरा सौभाग्य। और जब जब भी हम मिल बैठते हैं, हम उस बैलेंस को जब जब हम महसूस कर पाते हैं, तब तब हम उस यात्रा में हमारी ग्रोथ हमेशा बहुत तेज रहती है। एक जब भी आपको यूं लगे कि आपकी कामयाबी आपसे दूर है, तो एटॉमिक हैबिट्स, आपकी छोटी छोटी हैबिट्स, आप कामयाब होना चाह रहे हैं साइको के फील्ड में, और साइको के फील्ड में आपको लगता है कि कामयाबी नहीं मिल रही, आप और तेज दौड़ना चाहते हैं, आप तेज दौड़ने के बजाय उसके छोटे छोटे एटॉमिक छोटी छोटी आदतें जो उसमें छोटे छोटे चाहिए, 100% इम्प्रूवमेंट के बजाय सब छोटी छोटी आदतों में उसे थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर दें। 1908 तक कोई गोल्ड मेडल नहीं था शायद साइकिलिंग की फील्ड में इंग्लैंड को, तो एक कोच आए उसके बाद में, उस कोच ने उसे मेहनत कराने की बजाय उनकी छोटी छोटी जितनी भी साइकिलिंग में जो छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, इवन ग्रीस कौन सी है तो इसे बदलो, ये ग्रीस बेस्ट रहेगी वो यूज़ करो, सीट के अंदर क्या फ़र्क डालना चाहिए रेसिंग के लिए, उसने सीट में थोड़ा सा फ़र्क डाल लिया, उसने थोड़ा सा, आपको लगता है कि मेरी कामयाबी अभी दूर है, तो आप छोटी छोटी चीज़ें, इवन आपका होना सार्थक तभी हो पाएगा जब आप छोटी छोटी चीज़ों को एक एक परसेंट इम्प्रूव कर दें बस, आप पाएंगे कि आपकी परफॉर्मेंस मल्टीप्लाई हो गई है कल की बजाय। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, फिर मिलेंगे हम इस सेशन के आखिर में भी मिलेंगे, आपने यहाँ से क्या सीखा हम आपस में शेयर भी करेंगे। और एक चीज़, आप हमेशा बैलेंस की संभावना को कि कहाँ बैलेंस, आप अगर जब भी आप कुछ लर्निंग कम कर पा रहे हैं तो जैसे यूं बैठे हैं यूं मत बैठे, आप बैलेंस करें अपने आप को, पांव का, बैठने का, वजन का, और बैलेंस करके जब आप करेंगे तो आप ज़्यादा ज़्यादा गेन करते हुए पाएंगे अपने आप को, और उस बैलेंस के साथ में रहने लगेंगे। ये यूनिवर्स, इट इज़ ए एनर्जी, हम और आप बात कर रहे हैं ये एनर्जी के थ्रू ही कर रहे हैं, और एनर्जी ही हम हैं हम बेसिक रूप में।
तो वो एनर्जी को कैसे टच किया जाए आप सीख पाएंगे, और सीख तभी पाएंगे तब आप बैलेंस, जितना बैलेंस में रहेंगे उस एनर्जी के आप उतना नज़दीक रहेंगे, और अल्टीमेट बैलेंस उस एनर्जी के साथ में एनर्जी हो जाना, और ये यूनिवर्स, ये आकाश जिसे हम आकाश कह रहे हैं, जब ये जीवंत लगने लगेगा आपको, आप आकाश लगें खुद को और ये आकाश आपको जीवंत लगे, आप अल्टीमेट लेवल पर पहुंचे। थैंक यू सो मच।